We have to talk about something else today. Right. Acha, वही बात जो सब कर रहे हैं, आप दिन में 1000 बार सुन तो वही थोड़ी सी बात करूंगा. एक तो आई एम नॉट कनेक्टिंग या रिकनेक्टिंग, तो लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि एक ना नजर आने वाली चीज ने कहाँ ला के खड़ा कर दिया हमें, ऑनेस्टली. और मुझे इतने वो दिन याद आ रहे हैं जब हम घर से बाहर निकलते थे, दोस्तों से मिलने जाना, कॉफी पीने चले जाना या शूट्स पे जाना. किस तरह हम जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है जैसे वो हमेशा रहेंगी. बट ऐसा वक्त तो वैसे कभी ना सोचा ना सुना, क्या हुआ है हमारे साथ. लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत रहम करेंगे. लेकिन उससे पहले हमें भी अपने लिए कुछ करना है, ताकि इस पोजीशन में तो आए कि अल्लाह ताला हम पे रहम करें, रहम के काबिल तो बने पहले हम लोग. एनीवे, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर मैसेजेस. अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैसेजेस पढूं या यही वाली बातें करता रहूं. अच्छा, सेकंड ये कि आप अपने आप को कैसे बिजी रख सकते हैं, वो लोग बता रहे हैं, लेकिन जाहिर है हर एक का अपना तरीका है. कुछ को रीडिंग नहीं पसंद, कुछ को मूवीज देखना नहीं पसंद. अब यहां पर एक और बात है कि अब आपको फाइंड आउट करना, बिकॉज पहले तो जिंदगी में वक्त ही इतना नहीं होता था कि आप ये तलाश कर सकें कि हाय बुराक, हाउ आर यू डूइंग. बुराक जी न्यूज एंड स्टेप के लिए लिखती हैं, एंड शी इज अ ग्रेट राइटर. और अभी इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया है, एंड शी राइट्स वेरी वेल. थैंक यू सो मच एंड होप यू डूइंग वेल. सो कभी टाइम ही नहीं मिलता था कि पता चल सके हम लोगों को क्या पसंद है. एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन. यस, ओके, आई एम लाइव अपने पेज पे, बाद में मैं आ रहा हूँ. ठीक है, चल. ओके, सो लेकिन अब वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और शायद बहुत सी अपनी पर्सनैलिटी की चीज़ें जो हमें पहले नहीं पता थी अब पता चल जाएं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तो खैर रीडिंग वगैरह करता हूँ, लेकिन मुझे पेंटिंग शुरू करनी है, उसके लिए मैं ज़रा हिम्मत जमा कर रहा हूँ. तो लेट्स सी कैसे करते हैं. आई एम गुड, थैंक यू, होप यू वेल टू. यस वराग, थैंक यू सो मच, आई एम डूइंग वेल टू. तो पेंटिंग के लिए ज़रा ना मुझे थोड़ा सा हिम्मत जमा करनी है, लेकिन अब करनी पड़ेगी, बिकॉज एक दो महीने के घर रहने, आई होप इससे पहले ये सारा खौफ खत्म हो जाए. खौफ तो रहेगा काफ़ी अरसे तक इस दुनिया में, और रहना भी चाहिए ताकि हम लोग औकात में रहें. लेकिन ये कि आई होप ये जो पैंडेमिक है ये ख़त्म हो जाए, ताकि ज़िंदगी दोबारा अपने डगर पे आए. बहुत से लोग बहुत सी परेशानियों में मुब्तला हैं, खाना कैसे खाना है, पैसा कहाँ से कमाना है, और ये सारी चीज़ें. खैर, इस बारे में बात करके तो परेशानी होती है, फिर ऐसे भी लगता है कि जैसे आपको शर्मन दे रहे हैं. तो आई अवॉइड टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स. लेकिन हमें एज अ नेशन अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल के एज अ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना पड़ेगा. और मेरे ख्याल में उसी तरह हम अल्लाह ताला को भी बता सकते हैं कि अल्लाह ताला, अभी हम थोड़े से हमारे थोड़ी सी हमारे अंदर इंसानियत बाकी है. वो कहते हैं ना कि यू लर्न फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टोरी यू फोकस ऑन. सो अब मेरे ख्याल में इसमें हमें फोकस करना चाहिए. अच्छा, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ये बात मैं बार बार करता हूँ लाइव में, क्योंकि साथ में मैसेजेस भी पढ़ने की कोशिश कर रहा होता हूँ और अपनी तरफ से बहुत इंटेलिजेंट बातें भी करने की कोशिश कर रहा होता हूँ. तो वो जब क्लैश आता है ना, तो वो उस वजह से थोड़ा मामला ख़राब हो जाता है. एनीवे, सो और उसके अलावा काइंडनेस, काइंडनेस की तो बात होती रहती है. तो एक बहुत मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ आज पढ़ी, उसमें ये था कि उस इलाके का नाम था, आई मीन उस जंगल का, कि उसमें जानवरों का अगर टांग टूट जाती थी ना, तो इसका मतलब था कि वो ख़त्म हो गए, देर डेड. सो वो अब किसी काम के नहीं है, और वो उसी तरह रॉट अवे करके मर जाते थे. लेकिन अगर टांग टूट के टांग ठीक हो गई है, इसका मतलब है कि उनका किसी ने ख्याल रखा था. तो ये एक वो पूरा क्या कहते हैं, एक स्टोरी थी जिसमें ये कहा गया कि यहाँ से काइंडनेस का जो है वो इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है, कि अगर उस जानवर की टांग ठीक हो जाती थी, दैट मेंट के किसी ने उसका साथ दिया, उसका ख्याल रखा,
उसे काइंडनेस शो की, उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया, तो हम इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ और कुछ नहीं तो काइंड तो हो ही सकते हैं। हम देखेंगे कि किसको मदद की ज़रूरत है, कौन परेशान है, कौन तकलीफ से गुजर रहा है, क्योंकि दुनिया में हमें हर एक का हिस्सा रखना चाहिए, यू नो दैट्स हाउ इट इज़। और अल्लाह ताला भी डेफिनेटली बहुत खुश होते हैं। ओके गाइस, बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, मुझे सांस ही चढ़ गया ऐसी बातें करके। अच्छा, यू हैव रेड इट समवेयर, ये कौन है, आई अनमोल चौधरी, ऑल राइट। ओके गाइस, सो क्या आप देखे कौन वन ई वन, दैट इज सो इंटरेस्टिंग। ओके सो अच्छा, अब लोग मुझे कह रहे हैं लाइव कॉल भी लें आप। मैं तो सबके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, मुझे चंद लोगों ने कहा कि लाइव आपको जाना चाहिए, तो आज मैंने हिम्मत जमा कर ली। मैं बिल्कुल अभी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं, आप देखिए मैं कितना अटक अटक के बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, आई हैड नो आइडिया व्हाट टू से। मैंने बस कैमरा पकड़ा और फ़ोन पकड़ा और लाइव चला गया। सो अफान, थैंक यू थैंक यू। सो आई जस्ट होप यू गाइज आर डूइंग वेल, स्टे पुट, हिम्मत से काम लें। और वैसे दुनिया पे क्या वक्त आया है, मैं ऑनेस्टली सोच रहा था कि सन्नाटा हो गया है पूरी दुनिया में, कोई सर छुपाने की जगह ही नहीं रही है। अल्लाह का शुक्र है, घर घर की बात तो और है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि होता है ना कि एट टाइम्स एक जगह पे कोई प्रॉब्लम हो तो बंदा कहीं और ट्रैवल करके चला जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और थैंक गॉड, आई मीन यू नो, एक थैंक गॉड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो जाता और दूसरे मुल्कों में ना होता, तो उनमें यार अगेंस्ट ऑलरेडी बहुत है। और अगर हमारे मुल्कों में ना होता और उनमें अमेरिका वगैरह में होता, तो ये कहा जाना था कि कोई पाकिस्तानी आया था तो उसने जो है ना ये वायरस जो है वो फैलाया है। सो मरियम, ओह मरियम दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। आई विश आई वॉज अ लिटिल प्रिपेयर्ड, दो मैं बहुत वो, माय स्पीच इज क्वाइट हॉल्टिंग टुडे, सो बट थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर मैसेजेस। और यकीन जाने जब आप लोगों के डीएम्स पढ़ता हूँ ना, तो मैं कभी कभी बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ, मुझे होता है कि मैं एकदम से जवाब दे दूँ, फिर मुझे लगता है अगर मैं एक दो का जवाब, जो कि मैं एक एट टाइम्स दे भी देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो का जवाब मैं अगर दे दूंगा तो फिर बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बस उन्हीं चक्रों में मैं आप लोगों के मैसेज का जवाब भी नहीं दे सकता, बट मैं पढ़ लेता हूँ। सो स्वीट यार, यू गाइस लव मी सो मच, थैंक यू सो मच। अब फिर क्या करना है, मैसेजेस पढ़ूँ या प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके सो एक काम करते हैं कि आप लोग भी मुझे आइडियाज दे सकते हैं मेरे इनबॉक्स में, कि अगली दफ़ा जब हम लाइव आएँ तो किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, या सेगमेंट तो आई वुडन्ट वांट टू डू टू बी ऑनेस्ट, बट वी कैन टॉक अबाउट समथिंग राइट। तो ऐसा किया जा सकता है, यमुना जैदी व्हाट्सअप, किधर हो भाई, अमेरिका में फंसी होगी इस वक्त, है ना। अपना बहुत ख्याल रखना है, बाहर तो तुमने बिल्कुल नहीं निकलना, बल्कि आज महरीन से भी बात हुई थी तो हम यही कह रहे थे कि यार अब लगता है कि थोड़ा सा और दोस्तों से मिल लेना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बस इंसान फॉर ग्रांटेड लेता है इस चीज़ों को। सो ओके 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 एंड ठीक है, तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, आई मीन किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स ऑल आई कैन डू, आई कैन टॉक अबाउट समथिंग, आई कैन नॉट डू एनी सेगमेंट, मैं इनकेपेबल हूँ कोई सेगमेंट करने का, राइट। सो आप लोग बताएं एंड या थैंक्स थैंक्स यमुना। और उसके अलावा ये हो सकता है कि अभी मैं ऑफलाइन चला जाऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल इंटिमिडेट हो गया हूं, इट्स वेरी डॉन्टिंग टू बी लाइव इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, तो मैं अभी ऑफलाइन जाना चाहूंगा। और फिर ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, अब तो वक्त ही वक्त है, तो दोबारा आऊँगा और इंशाल्लाह किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, आप लोग भी मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है वैसे ही सोच, अभी मैंने बात की है ना कि अब तो वक्त ही वक्त है हमारे पास, तो इस वक्त को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, मैंने एक जगह और पढ़ा था
उसमें लिखा हुआ था कि बड़ा आदमी वो पढ़ाई अच्छी है, तो